राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज रहे हैं रात के 8। खाना वगैरह हम दोनों का हो चुका था, दोनों का मतलब माँ बेटे का हो चुका है खाना। पंडित जी तो आप सबको पता है कि वो बाहर गए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने उस्सा बेलन को जो है ना धोकर रख दिया है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप चाहें सुबह खाना बनाएं या शाम को खाना बनाएं, उस्सा बेलन को कभी भी गंदा नहीं रखा जाता है। तो मैं जो है ना दोनों टाइम उस्सा बेलन को अच्छे से रगड़ कर धोती हूँ, और कभी भी अपने घर की उस्सा बेलन को, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन इस वीडियो में आपको फिर से बता रही हूँ कि उस्सा बेलन को कभी भी जो है ना झूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उस्सा बेलन धोए थे, उसके बाद जो है ना मैं अपने जो झूठे बर्तन हैं उनको साफ कर रही हूँ। तो कभी भी उस्सा बेलन को आप झूठे बर्तनों में ना रखें। और हाँ, तवा को कभी भी जो है ना रात में रगड़ कर नहीं धोया जाता। रगड़ने का मतलब है कि हम जो है ना अक्सर हमारे घरों में जो है ना हम तवे को ऐसा जो ईंट का पत्थर होता है ना उससे रगड़ कर साफ करते हैं, तभी जो है ना लोहे का तवा अच्छे से साफ होता है। पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हो, लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग जो है ना लोहे के तवा पर ही रोटी बनती है, और लोहे के तवा को जो है ना जो एक पत्थर टाइप का होता है उससे अच्छे से घिसते हैं, तो लोहे का तवा जो है ना जगमगा उठता है। लेकिन रात के समय लोहे की तवा को कभी घिसा नहीं जाता। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं कभी आपको विस्तार में बताऊंगी, लेकिन ध्यान जरूर रखना, कभी भी लोहे की तवा को कभी घिसकर मत धोना रात के समय। दिन में जो है ना धो लिया जाता है, दिन में तो हम सभी घिस के धोते हैं। और हाँ, तवे की जो उल्टी साइड होती है ना उसमें अगर पपटियाँ सी पड़ने लगे, मतलब लोहा जो है ना थोड़ा सा अलग अलग टाइप का होने लगे, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, आज तो इस वीडियो में मैं दिखा नहीं पाई आपको, तो उस तवे को ना हो सके जितनी जल्दी जो है ना हमें चेंज कर देना चाहिए। अब हो गया था नेक्स्ट डे हो चुका था, रात में ऐसा कुछ था नहीं तो मैं वीडियो ज्यादा मैंने बनाया नहीं। सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर किया, उसके बाद आ गई मैं छत पर। अभी बेटू के स्कूल खुलने में 2-3 दिन बकाया है, तो 1 जुलाई से जो है ना स्कूल खुल जाएंगे, तो फिर जो है ना मैं अकेली ही घर में रह जाती हूँ। तो इस समय जो है ना बेटू मेरी बहुत हेल्प कर देता है, जैसे कि पानी की टंकी भरना है तो मैं उसको बोल देती हूँ, मैं नीचे से नल चालू कर देती हूँ तो वो टंकी वगैरह भर जाती है, तो उसको देख लेता है। पेड़ों में पानी डालना हो गया, अगर मैंने कपड़े धो लिए हैं तो बहुत सारे मेरे कपड़े ऊपर डाल आता है, तो बच्चों से जो है ना बहुत हेल्प हो जाती है। और अगर वो जिस दिन घर में नहीं होता ना, मैं तो मतलब इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मैं आपको क्या करूँ, तो ना बहुत हेल्प मेरी वो करता है। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, वैसे आप लोगों के यहाँ पर भी बारिश हुई होगी मुझे पता है, क्योंकि ये बारिश जो है ना सब जगह है। लेकिन हमारे शहर में एक चीज़ है कि बहुत कम बारिश होती है, मतलब दुनिया में इतना पानी बरस जाएगा लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम पानी बरसता है। बस उसके बाद मैंने नहाया, झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह ही हो गया था, आलू की सब्जी बनाई है। मेरा बेटा तो आलू को देखकर बहुत खुश हो जाता है, अगर मैं रोज भी आलू बनाऊँ ना तो बहुत प्यार से आलू की सब्जी जो है ना खाता है। तो आलू जो है ना जैसे ही सीझ जाते हैं उसमें मैंने 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और इसे कहते हैं हमारे यहाँ तरी वाली आलू की सब्जी। किस किस को पसंद है मुझे जरूर बताना, हमारे यहाँ तरी वाली आलू की सब्जी सबको पसंद है। ठाकुर जी को मैंने सुबह सुबह उठा दिया है, और हाँ ये सूट जो है ना मुझे बहुत ढीला हो गया, जब मैंने सिलवाया था एकदम फिटिंग का था, अब तो ऐसा लग रहा है कि किसी का मांग के पहन लिया है। तो थोड़ी सी पतली हुई हूँ, ज़्यादा नहीं हुई है पर थोड़ा सा अंतर आया है अभी। हाँ, पूरा अपने आप पर ध्यान तो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आप सबको बताया जब घर में काम चलता है तो हम चाह कर भी अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करा रही थी, उन्हें तैयार कर रही थी, तो देखिए मुझसे क्या हुआ, अपने कान्हा जी की हाय की जो तवज्जिया है ना वो मैंने गलती से राधा रानी को पहना दी। शायद भगवान की इसमें कोई इच्छा हुई होगी, इसलिए जो है ना फिर मैंने देखा तो फिर मैंने उतारी नहीं, क्या पता किस में क्या छुपा होता है, हम कभी कभी जो है ना चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं। तो भगवान जो है ना हमें बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना कि कोई भी काम शुरू होने वाला हो या हम स्टार्ट करने वाले हों तो बहुत सारे हमें संकेत मिलते हैं, लेकिन हम चीज़ों को जो है ना थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, बस यही होता है। तो बस मैंने राधा रानी को वो तवज्जिया पहनाई ना, तो फिर मैंने नहीं उतारी, मेरा मन ही नहीं किया उतारने का। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ठाकुर जी की सेवा, सबको मैंने स्नान करवा दिया, और हाँ आज मैंने चंदन से स्नान करवाया था भगवान को, उसके बाद मैंने टीका कर दिया है। और हाँ, जब भी मैं अपने वीडियो में आपको अपने ठाकुर जी नहीं दिखाती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इस वीडियो में जो है ना मैंने स्नान करते समय थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। अब करूँगी मैं आरती, तो हाँ मेरा आरती का दीपक जो है ना चेंज हो गया है। वो क्यों चेंज किया मैं आपको बता दूँ, शायद मैं बता चुकी हूँ, नहीं बता चुकी मुझे याद नहीं है, फिर से बता देती हूँ
क्योंकि मेरा जो पुराना वाला दीपक था वो जो है ना टूट गया था। देखिए दीपक अगर आपके यहाँ पर, आप जो है ना डेली पूजा का दीपक बार बार बदल नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप पूजा का दीपक अगर बार बार बदलते हैं तो ये भी जो है ना एकदम सही नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है, आज ये वाले दीपक से आरती करते हैं, आज ये वाले दीपक से आरती करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। दीपक जो है ना रेगुलर पूजा का दीपक हमें एक ही रखना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक रखते हैं तो मिट्टी के दीपक को जो है ना एक बार से यूज़ करने के बाद दोबारा उसको यूज़ नहीं किया जाता। उसको यूज़ करना भी है तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है। लेकिन पीतल के दीपक को जो है ना आप धो मांज कर जो है ना दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधे से बता दूँ कि मैंने अपना पुराना दीपक क्यों बदला। वो इसलिए बदला क्योंकि वो जो है ना टूट गया था। कहीं अगर आपका दीपक अगर बीच में से टूट जाता है तो ये बहुत बड़ा इंडेक्स, मतलब एक संकेत होता है कि आपके घर को जो है ना किसी की बुरी नज़र लगी है। तो ऐसा शायद हमारे साथ भी हुआ, पता नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हुआ तो हमारे साथ भी था। तो मैंने उस दीपक को जो है ना चेंज कर दिया है। और अगर आपके यहाँ साथ भी अगर ऐसा कभी हो कि आपका दीपक जो है ना चटक जाए, तो आप यही समझना कि आपके घर की को भी जो है ना किसी की बुरी नज़र लगी है। तो अपने घर की नज़र आप ज़रूर उतारिएगा। इस पर भी मेरा वीडियो है, उसे जाके देख लीजिएगा। तो हम सब जो है ना ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना होकर गुजरते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि काम चल रहा है। अगर मैं ये सोच कर अगर वीडियो ही ना बनाऊँ तो आपसे जो है ना मेरी कनेक्टिविटी जो है ना थोड़ी सी खत्म हो जाती है, और आप लोग मुझे मिस भी बहुत करते हो, इसीलिए जैसे तैसे जो है ना आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को जो है ना सतुए का भोग लगाया है। सतुआ बहुत अच्छा लगता है खाने में। पता है मैं सतुआ कैसे बनाती हूँ? मैंने 2 चम्मच सतुआ लिया है, उसमें 2 चम्मच में शक्कर डाली है, मतलब चीनी डाली है, बूरा भी डाल सकते हो, और उसमें डालूंगी मैं खूब सारा पानी। आपको ऐसे घोड़ना है जैसे आप बेसन की चीला घोड़ते हो, उस तरह का घोड़ दिए। थोड़ा सा अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप गाढ़ा भी घोड़ सकते हो, मुझे थोड़ा सा पतला टाइप का पसंद है। तो बस मैंने उसको घोड़ लिया है, उसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच देसी गाय का घी। भाई साहब क्या मस्त लगता है ना, आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। हमारे यहाँ सतुआ सब लोग ऐसे ही खाते हैं। बाद मैंने बनाई रोटियां, और हाँ गर्मियों में रोटियां बनाना ना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें, हम महिलाओं को तो अपना काम करना ही करना है, चाहे गर्मियां पड़े चाहे सर्दियां पड़े, हम सबको अपना काम करना पड़ता है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, सबके लिए बात बराबर होती है। तो बस मैंने फटाफट रोटियां बनाने के बाद जो है ना मैं जल्दी से कूलर के सामने आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, और जो उमस वाला ये मौसम है ना इसमें कूलर की भी हवा नहीं लगती है, तो बिल्कुल हवा नहीं लग रही थी, पता नहीं कहाँ एक कूलर की आवाज़ आ रही है। तो बस कैसे भी थोड़ा सा मैंने इस कूलर के नीचे बैठकर आराम किया 1 घंटा। तो इस गर्मी में मैं अपने आप को आराम ज़रूर देती हूँ। और हाँ आज मैंने सिर धोया था, तो अपने बालों को भी सुखा रही हूँ क्योंकि मुझे लगानी थी बालों में मेहंदी। यहाँ पर बेटू भी जो है ना अपना कुछ कर रहा था, तो मैं बस यहीं थोड़ा सा लेट जाती हूँ 1 घंटे। और गर्मियों में ना ऐसा मौसम हो जाता है कि मतलब आपको थकावट होने लगती है, तो बस मुझे भी थोड़ी सी थकावट हो गई थी खाना वगैरह खाने के बाद। तो बस अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, और सोने के बाद जो है ना मैं मेहंदी लगाऊंगी बालों में। मेहंदी मैंने पहले ही घोड़ के रख दी थी, एक दिन पहले मैं मेहंदी घोड़ के रख देती हूँ। तो देखिए ये लगी मेरे हाथ बालों में मेहंदी, और मैं जो है ना हरी वाली मेहंदी लगाती हूँ, उसमें जो है ना थोड़ा सा कत्था डालती हूँ। वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको कि किस तरह हम लोग मेहंदी घोड़ते हैं, तो वैसे आपने देखा होगा कोई ना वो वीडियो तो। और बस यहाँ पर मैं मेहंदी को सुखा रही हूँ अपने आराम से बैठकर, यहाँ पर आंगन में घूमते हुए, और यहीं से कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। कभी अपने ऊपर चली जाती हूँ, जो वर्कर वगैरह जो काम करते हैं ना उनका काम वगैरह देखती रहती हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक ध्यान तो जो है ना रखना ही पड़ता है, जिम्मेदारी होती है जब घर में बहुत ज़्यादा काम चलता है। और ये रही मैं, तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, ताकि आपसे जो है ना मेरी एक कनेक्टिविटी जो है ना जुड़ी रहे। और आज जो है ना हमारे घर में जीना
लग रहा है। तो आज शुरुआत हो रही थी जीना लगने की, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, दीपक का ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी दीपक अगर चटक जाता है तो इसका सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके घर को किसी की हाय या नज़र लगी है। तो उस दीपक को तुरंत आप नदी में विसर्जित कर दें और नए दीपक लाकर जो है ना भगवान की रोज़ आरती करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बीच बीच में आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बट क्या कर सकते हैं, काम तो जो है ना चल रहा है। तो कुछ ही दिनों की बात है, धीरे धीरे करके ये भी एक दिन सब कुछ हो जाएगा और फिर आपको जो है ना मेरा बहुत प्यारा घर जो है ना नज़र आएगा, क्योंकि ये सारे काम जो है ना समय पर हो जाए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।